हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या आपके प्लांट्स की लीव्स गिर रही हैं या फिर येलो हो रही हैं? क्या आपके प्लांट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके प्लांट्स काफ़ी टाइम से बढ़ नहीं रहे हैं या फिर उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या उनकी रूट्स बढ़ नहीं पा रही है? तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आज हम यूज़ करेंगे लिक्विड जाइम फर्टिलाइज़र का। ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। जाइम ग्रेनुल में भी आती है और लिक्विड में भी आती है। तो आज हम लिक्विड जाइम का यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स पर। यह है लिक्विड जाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और यह बनी होती है सीवीड से, यानी समुद्री शैवाल से। समुद्री शैवाल में अमीनो एसिड, होमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, सीवीड, नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सब पाए जाते हैं। जाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है और जाइम सोइल की हेल्थ में सुधार लाती है और सोइल की कंडीशनिंग करती है और सोइल की जैविक पोषण को बढ़ाती है। प्लांट की रूट सिस्टम को डेवलप करती है और स्ट्रॉन्ग करती है, ज़्यादा सर्दी में और ज़्यादा गर्मी में। ये प्लांट की एंटीबॉडी को इंक्रीज़ करने का काम करती है। जाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इंक्रीज़ करने का काम करती है और फ्रूट्स की मिठास को भी बढ़ाती है। जाइम फर्टिलाइज़र प्लांट्स में लेग्निन, सेलुलोज और स्टार्च को इंक्रीज़ करने का काम करती है। प्लांट्स में स्टेम को मजबूत बनाती है। जाइम सीड और प्लांट की डोरमेंसी को भी ब्रेक करने का काम करती है। अगर सीडलिंग के ऊपर जाइम का स्प्रे कर दिया जाए तो सीडलिंग जल्दी स्प्राउट होती है। और जाइम सभी टाइप्स के प्लांट्स में दिया जा सकता है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर सक्कुलेंट प्लांट्स हो, सभी में ये फर्टिलाइज़र दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि हम जाइम फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में कितना दे सकते हैं और इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो आपको 1 लीटर पानी में 2.5 ml जाइम देनी है। मेरे पास है 10 लीटर की ये बकेट और इसमें है 10 लीटर पानी, तो इसमें हम 25 ml जाइम फर्टिलाइज़र डाल देंगे। यह है 25 ml 10 लीटर पानी में। तो इस तरह से जाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं और अपने प्लांट की एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में प्लांट की एंटीबॉडी को बढ़ा सकते हैं, प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं और प्लांट को लश ग्रीन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।